हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी बेसिकली होता क्या है? देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि एक डिपॉजिटर जब अपने पैसे डिपॉजिट करवाता है बैंक में, क्यों करवाता है? ताकि उसको कुछ इंटरेस्ट रेट मिल सके कुछ टाइम पीरियड के बाद में, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर एक डिपॉजिटर जो है पैसा जमा करवाता तो है, लेकिन उसको इंटरेस्ट रेट बैंक नहीं देता है, डिपॉजिटर को इंटरेस्ट रेट बैंक को ही देना पड़ता है, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? इस सिचुएशन को कहेंगे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। और इस केस में जो आपका डिपॉजिटर है वो है कमर्शियल बैंक। तो जब कभी कमर्शियल बैंक पैसा डिपॉजिट करवाता है सेंट्रल बैंक के पास में, और उस केस में सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस केस में कमर्शियल बैंक पैसा भी सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाता है और उस पैसे पे इंटरेस्ट रेट भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देता है, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? इसको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कहेंगे। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर कोई भी एंटिटी, इनफैक्ट हम कमर्शियल बैंक्स की जब हम बात करते हैं तो वो तो खुद एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी होती है, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो वो भला नुकसान के लिए क्यों काम करेंगे? वो सेंट्रल बैंक के पास पैसा ही क्यों जमा करवाएंगे जब उनको खुद ही उस पर इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है ना? जी हाँ, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इंडिया में अभी तक नहीं किया गया, फिर भी हम समझते हैं कि किस सिचुएशन में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये सिचुएशन है आपकी डिफ्लेशन की। तो जब कभी भी इकॉनमी में बहुत ही ज़्यादा डिफ्लेशन आपको देखने को मिलता है, तो उस केस में आप इस पॉलिसी का इस्तेमाल करते हो। अब ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन जो है बन जाता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है उसका इस्तेमाल किस टाइम पीरियड में किया जाता है। वेदर इट इज़ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और बूम और नन ऑफ दी अबव, तो कुछ भी ऐसे ऑप्शन देके आपसे पूछा जा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। आपने याद रखना है कि इसका इस्तेमाल जो है वो डिफ्लेशन के पीरियड में ही किया जाता है। अच्छा, तो डिफ्लेशन होता क्या है? देखिए, हम जब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो हम कहते हैं राइज इन जनरल प्राइस लेवल, है ना? तो प्राइसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट है इन्फ्लेशन का। इसमें क्या होता है, डिफ्लेशन में प्राइसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। प्राइसेस क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो बहुत कम होता है। अच्छा, लोग डिमांड कब करेंगे? डिमांड तभी करेंगे ना जब लोगों के पास पैसा हो, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन एक ऐसा है डिफ्लेशन का, जब प्राइसेस बहुत कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो हमें अब वापस से क्या करना पड़ेगा? हमें वापस से क्या करना पड़ेगा? लोगों के पास पैसा पहुँचाना पड़ेगा। लोगों के पास जब पैसा जाएगा तभी वो डिमांड करेंगे, है ना? और ये देखिए, इसका तो आगे ये चेन ऐसे जुड़ते जाता है कि जब एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो जाता है, तो न सिर्फ यहाँ पे प्राइसेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो कम होते हैं, बल्कि यहाँ पे आपका प्रोडक्शन लेवल जो है वो भी बहुत कम हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसका एक अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो क्या होता है? वो होता है आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में आपको पैसा जो है, मनी सप्लाई जो है वो बढ़ाना पड़ता है इकॉनमी में। अब मनी सप्लाई को बढ़ाने के आपके पास बहुत से मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, ठीक है। अब मतलब कि बहुत से आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी तो है ही है, लेकिन इन केस अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो आपके पास फिस्कल पॉलिसी भी है। तो अलग अलग आपके पास टूल्स है जिसका इस्तेमाल करके आप मनी सप्लाई को क्या कर सकते हो? इकॉनमी में बढ़ा सकते हो। फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो टैक्स रेट कम कर दो, है ना, सब्सिडीज देना शुरू कर दो, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। जो रेपो रेट है आप उसको कम कर दीजिए। और वहीं पे एक और जो आपके पास ऑप्शन जो निकल के आता है वो होता है आपका नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। अब देखिए, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है डिफ्लेशन के सिचुएशन में कैसे जो है आप कह सकते हो कि पैनिशिया जो है, रामबाण कैसे सिद्ध होगा इस सिचुएशन में? कैसे ये एक पैनिशिया सिद्ध होगा? देखिए, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, एग्रीगेट डिमांड जो है काफ़ी कम हो चुका है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है इंटरेस्ट रेट, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी कमर्शियल बैंक है, अगर वो पैसा सेंट्रल बैंक के पास जाके पैसा जमा करवाने की सोचते हैं तो उस पर उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। मतलब कि ये तो ऑप्शन ही खत्म, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाके पैसा नहीं जमा करवाएंगी क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, नुकसान के लिए कभी काम नहीं करेंगी। और पैसा अपने पास खुद के लिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली उन्हें कमाना है, पैसा तो उन्हें मार्केट में भेजना ही है, लोन के रूप में देना ही पड़ेगा। तो इस केस में उनके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बच पाता है, एक ही ऑप्शन होता है, वो ये होता है कि किसी तरीके से लोन के रूप में जो पैसे है अलग अलग एंटिटीज़ को
दी जाए, ठीक है, ताकि जो लोग हैं आपका इन्वेस्ट कर सके, किसी भी एरिया में जाके पैसा जो इन्वेस्ट कर सके और वापस से सप्लाई ऑफ मनी जो है वो क्रिएट हो सके, और फिर डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है उस पर आप फिर कंट्रोल जो है पा सकोगे और इकॉनमी जो है फिर से स्टेबल हो जाएगी। सो आई होप कि ये जो मैंने अभी जो कुछ भी आपको समझाया, आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा, इट्स नॉट वेरी हार्ड टू गेट इट। अच्छा, तो अभी एक बात आपने और याद रखना है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी का, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का इस्तेमाल उस समय ही किया जाता है जब आपके दूसरे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इनफेक्टिव सिद्ध होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, तो इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है, क्या अलग अलग कंट्रीज़ में इसके एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं? हमने देखा कि इंडिया में तो इसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो क्या दूसरी कंट्रीज़ है, क्या वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने 70s के पीरियड में इस पॉलिसी का इस्तेमाल ऑलरेडी किया है। देन रिसेंट टाइम की अगर हम बात करें तो स्वीडन, डेनमार्क जैसी कंट्री ने भी इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया है, और मोस्ट रिसेंट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो है जापान। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपको काफ़ी नई बातें समझ में आई होंगी। आपको कैसा लेक्चर लगा ये प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।